Hello everyone, today we will do the exercise of chapter 14, A Man Who Gave India Wings. Let's start with the first exercise question answer. And first question is, what was the name of JRD's parents and which country did they belong to? JRD ke mata pita ka kya naam tha aur wo kis desh ke rehne wale the? The answer is, JRD's father रतन जी वॉज अ पारसी एंड इंडियन, वो भारतीय थे और पारसी थे. एंड हिज मदर सुजैन बेरले वॉज अ फ्रेंच, और उनकी माता जी सुजैन जो थी वो फ्रांस की रहने वाली थी. क्वेश्चन बी, नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय जे आर डी द्वारा शुरू की गई हवाई यात्रा हवाई सेवा का क्या नाम था? आंसर इज टाटा एविएशन सर्विस. जो हवाई सेवा जेआरडी द्वारा शुरू की गई उसका नाम था टाटा एविएशन सर्विस. क्वेश्चन सी, व्हाई डिड ही नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री, मतलब जेआरडी के पास कॉलेज की डिग्री क्यों नहीं थी? ही डिड नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री बिकॉज हिज फादर आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बॉम्बे वापस बुला लिया था. हिज फादर डिड नॉट कंसीडर अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, उनके पिताजी मानते थे कि जीवन में सफल होने के लिए कॉलेज की डिग्री का होना आवश्यक नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी, हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड आफ्टर रतन जी'स डेथ, रतन जी की मृत्यु के बाद टाटा बोर्ड का मुखिया कौन बना? रतन जी'स एल्डेस्ट सन एंड एयर, रतन जी के सबसे बड़े बेटे होने के नाते और उनके उत्तराधिकारी होने के नाते जहांगीर बिकम द डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड्स आफ्टर रतन जी'स डेथ. जहांगीर जो उनका सबसे बड़ा बेटा था और उनका उत्तराधिकारी था, वही टाटा बोर्ड का डायरेक्टर बना. क्वेश्चन ई, व्हाई वाज जेआरडी अवार्डेड द भारत रत्न, जेआरडी को भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया? जेआरडी वाज नॉट ओनली एन एविएटर, वो एक एविएटर ही नहीं थे, मतलब एविएटर होता है पायलट, वो एक पायलट ही नहीं थे बट ऑल्सो अ फिलेंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी भी थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद भी थे, स्पोर्ट्समैन, खेल खिलाड़ी भी थे, पोएट यानी कि कवि भी थे, एंड स्कल्प्टर, मूर्तिकार भी थे. फॉर हिज अचीवमेंट्स, उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं उन सब के लिए इंडियन गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम द भारत रत्न, भारतीय सरकार ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया. क्वेश्चन एफ, व्हाट वाज जेआरडीज लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, जेआरडी की आखिरी जो पब्लिक स्टेटमेंट थी वो क्या थी? जेआरडीज लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील, जेआरडी की जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो एक विनती थी, किससे? टू इंडियंस, भारतीयों से, टू मेंटेन पीस, कि हमेशा शांति बनाए रखना. टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड जेआरडी एक्सेल इन, जेआरडी किन किन क्षेत्रों में महारथी थे? एज आई टोल्ड यू बिफोर, बिसाइड बींग एन एक्सीलेंट एविएटर, एक अच्छे विमान चालक होने के साथ साथ ही वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्प्टर, ये सारे गुण भी उनमें मौजूद थे. वो मानवतावादी भी थे, शिक्षाविद भी थे, खिलाड़ी भी थे, कवि भी थे और एक अच्छे मूर्तिकार भी थे. अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो इसके आगे की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.